एक प्रॉपर्टी और लिख लो, ये भी काफ़ी यूज़ होती है प्रॉपर्टी। एक्चुअली एनसीईआरटी में नहीं है, यूज़ करते हैं इसमें। प्रॉपर्टी एक और है, इफ़ ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम आर ज़ीरो देन दी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी ज़ीरो। ये कह रहा अगर इसमें कोई भी डिटर्मिनेंट है जिसके एक रो या एक कॉलम के, किसी भी एक रो या कॉलम के एलिमेंट ज़ीरो हों, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो होगी। जैसे अब सपोज ये ज़ीरो ज़ीरो और ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से तो इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी, क्योंकि इसके फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं। इसको सिंपलीफाई करोगे तो ज़ीरो आएगा। अब इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, फिर हम क्वेश्चन एक देखिए, एक क्वेश्चन करते हैं। यह क्वेश्चन है ए माइनस बी, वही क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 का। 4.2, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, ए माइनस सॉरी सी माइनस ए, बी माइनस ए माइनस बी एंड बी माइनस सी इक्वल टू ज़ीरो। ये भी क्वेश्चन यही देखिए, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग, ये आपको सॉल्व करना है। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करें। अब इससे अगर हम दो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखने पर होंगे, तो पहले इसको स्प्लिट करेंगे, फिर इसको करेंगे, तो कई सारे डिटर्मिनेंट बनते हैं। तो बजाय इसके हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। देखिए आर वन को रिप्लेस कर देते हैं हम, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। उससे क्या फ़ायदा होगा, देखिए जब हम इसमें देखते हैं ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए बी सी इसमें है, इसी तरह से इसमें है। देखिए ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, तो ये कैंसिल आउट। माइनस बी प्लस बी, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, माइनस सी प्लस सी। तो बेटर है कि हम इनको ऐड कर दें, कॉलम को भी ऐड कर सकते हैं, हमने रोज़ को लिया है। तो देखिए पहला वाला बन जाएगा ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, ये ऐड हो गए। सेकंड में आ जाओ, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी और फिर प्लस बी माइनस सी। बाकी सेकंड रो एज इट इज रहेगी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी एंड बी माइनस सी। अब देखिए इनमें ए पॉजिटिव है, ए माइनस नेगेटिव है, माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस बी कैंसिल हो गए। इसमें माइनस सी से प्लस सी, माइनस बी से प्लस बी, माइनस ए से प्लस ए कैंसिल हो गया ज़ीरो, ये भी सारे ज़ीरो। तो देखिए आपके पास क्या बना, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, क्योंकि इस माइनस ए से प्लस ए कैंसिल हो गया, माइनस बी से प्लस बी, माइनस सी से प्लस सी, तो सारे ज़ीरो। सेकेंड रो एज इट इज़ रहेगी, ए माइनस बी। थर्ड रो भी एज इट इज़ सी माइनस ए माइनस बी एंड बी माइनस सी। अभी हमने प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम आर ज़ीरो देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी ज़ीरो। देखो कितनी इजीली हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अदरवाइज बच्चे करते क्या ऐसे और इधर उधर की प्रॉपर्टीज यूज़ करके या एक्सपेंड करके, तो वो बड़ा टिपिकल हो जाता है फिर। ठीक है अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, बहुत आसानी से हो जाते हैं ये क्वेश्चंस। अब लिखा है इसमें कि इसमें आपने केवल प्रॉपर्टी का यूज़ करना है।
ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन। बी प्लस सी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये। क्वेश्चन तो कई बार पूछा भी जा चुका है रिपीटेडली। क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड, बी प्लस सी, क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड, फिर सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी बी पी प्लस क्यू एंड एक्स प्लस वाई, और इसको ये बन जाएगा ट्वाइस ए पी एक्स, ए पी एक्स और बी क्यू वाई एंड सी आर जेड, इसके इक्वल आपको इसको शो करना है। हाँ, बहुत बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आप क्या काम कर सकते हो, देखिए ए बी सी अगर देखें तो केवल फर्स्ट कॉलम में है, पी क्यू आर वगैरह सेकंड कॉलम में है, और एक्स वाई जेड थर्ड कॉलम में। अगर हम इसको इस तरह से ऐड कर देते हैं कॉलम वाइज, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हम इसको रो को ही चेंज कर लेते हैं, आर वन को रिप्लेस कर लो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तो इसमें ट्वाइस करके बन जाएगा हर एक में, क्योंकि सी सी बी बी दो दो बार है, तो ट्वाइस हमें ट्वाइस लाना है। तो इसको आंसर को देखते ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए तो इसको बना, ये बना आपका बी प्लस सी प्लस सी प्लस बी, तो ये बन इसको लिख देंगे हम ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी, लिख सकते हैं बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए प्लस ए प्लस बी, तो क्या बन जाएगा टू ए प्लस टू बी प्लस टू सी हो सकता है। तो हमने टू बाहर ले लिया, दूसरे वाले सेकंड कॉलम में भी देखिए ट्वाइस पी प्लस क्यू प्लस आर, थर्ड कॉलम में ट्वाइस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये बना। बाकी सेकंड एंड थर्ड रो विल रिमेन सेम, पी जेड प्लस एक्स, थर्ड रो ए प्लस बी पी प्लस क्यू एंड एक्स प्लस वाई। अब एक चीज़ हम देख रहे हैं ट्वाइस आ रहा, तो ट्वाइस हम बाहर ले लें, ट्वाइस बाहर ले लो, ट्वाइस आपके पास ए प्लस बी प्लस सी पी प्लस क्यू प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर, यहाँ बना आपके पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आ गया। और इन दोनों में सेम है सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स एंड ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई, ये बना। अब इनमें से दो तीन तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी है और यहाँ सी प्लस ए प्लस बी है, मिटा के लिखना पड़ेगा, इसी को मिटा के बाहर, ये अगला स्टेप इसके बाद कर देते हैं। टू बाहर निकाल के, टू इसके बाद वाला यही चीज़ है, इसको अगर टू यहाँ से हटा दूँ मैं तो आपका यही स्टेप आ जाएगा। तो अगली बार स्टेप कर लेते हैं। अब इसको दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, एक में तो हम सीधे क्या कर लें, इन आर टू एंड आर थ्री में से आर वन को माइनस कर लें, उससे हो सकता है। तो क्या करें, रिप्लेस आर टू बाय आर टू माइनस आर वन, एंड आर थ्री को रिप्लेस करें
आर थ्री माइनस आर वन, एक इस तरह से हो सकता है। तो यहाँ लिख देते हैं ऐसे ट्वाइस, हमने आर वन को नहीं चेंज किया, आर वन एज इट इज़ है, ए प्लस बी प्लस सी पी प्लस क्यू प्लस आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया। इसमें हमने क्या किया, सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी प्लस सी, यानी केवल क्या बचेगा माइनस बी, इसमें क्या नहीं है क्यू नहीं है तो माइनस का क्यू बचेगा, यहाँ क्या नहीं है वाई नहीं है तो माइनस का वाई बचेगा, क्योंकि सी माइनस सी और ए माइनस ए कैंसिल तो माइनस बी बचा, यहाँ इस वाले में से आर थ्री में से ए प्लस बी है तो क्या बचेगा माइनस का सी, यहाँ क्या बचेगा माइनस का आर, यहाँ बचेगा माइनस का जेड। अब फर्दर इसमें हम एक चीज़ और एक काम और करेंगे, माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई, और हमें लाना क्या है बी क्यू वाई सी आर जेड हो चुका है, यहाँ केवल ए चाहिए। तो हम ऐसा कर लें, हम आर वन को रिप्लेस कर दें, हम आर वन इज रिप्लेस बाई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, रिप्लेस कर दें ऐसे। तो देखिए पहला फर्स्ट में क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी, माइनस बी माइनस सी बचा ए बचा, यहाँ क्या बचेगा पी, यहाँ क्या बचा एक्स, इसमें माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई माइनस सी माइनस आर एंड माइनस जेड, ये बच गया। तो देखिए अब इनमें से माइनस साइन कॉमन ले लें दोनों, इसमें से माइनस साइन कॉमन लेंगे माइनस साइन बाहर आएगी, माइनस का टू हो जाएगा, फिर थर्ड रो में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगी, तो अल्टीमेटली क्या बचा आपके पास ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, और यही हमें लाना था, प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है 4 मार्क्स में, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।